हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ सुदेश सांगवान, यूअर ज्योग्राफी टीचर. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, आवर सिलेबस ऑफ टर्म वन हैज बीन कम्प्लीटेड. टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सिलेबस ऑफ टर्म टू. नाउ वी विल डिस्कस आवर 14th चैप्टर, दैट इज मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, इट मीन्स कि जो ओशियन वाटर होता है वो एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है, उसमें मूवमेंट जो है वो होती रहती है. और वो मूवमेंट जो है वो किस किस फॉर्म में होती है, वर्टिकली होती है, हॉरिजॉन्टली होती है. तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, यानी कि मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, ओशियन वाटर की जो मूवमेंट है वो कैसे कैसे होती है. तो इन दिस चैप्टर द टॉपिक्स, फर्स्ट इंट्रोडक्शन, यानी कि इसमें हम जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें होता क्या क्या है. नेक्स्ट वेव्स क्या होती हैं, उसके बाद वेव्स में जो वाटर है वो कैसे मूवमेंट करता है कि नहीं करता है, या फिर क्या मूवमेंट करता है इसमें. उसके बाद है टाइड्स, यानी कि टाइड्स क्या होता है, इससे ओशियन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है या हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है. उसके बाद ये टाइड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, किस किस से, यानी कि एक दिन में वो कितनी बार आते हैं. उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स, यानी कि टाइड्स की हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या हमारे लिए इसकी इम्पोर्टेंस है भी या नहीं है, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओशियन करंट्स, यानी कि करंट क्या होती है, ओशियन करंट क्या होती हैं, और ये किस किस डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं. ओशियन करंट का हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, या ओशियन वाटर के ऊपर करंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ओशियन करंट्स, यानी कि ओशियन करंट्स के भी कौन से टाइप हैं, कितने टाइप की ओशियन करंट्स होती हैं. तो आज हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर. द ओशियन वाटर इज डायनेमिक. ओशियन वाटर कैसा होता है, डायनेमिक, यानी कि ओशियन वाटर कभी भी फिक्स नहीं रहता है. ये इसमें हलचल जो है होती रहती है, ये स्थिर नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है. तो इसमें इट्स फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स लाइक टेम्परेचर, यानी कि इसकी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भौतिक विशेषताएं हैं, वो क्या क्या हैं, कि इसका टेम्परेचर कैसा है, कम है, ओशियन वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम है या ज़्यादा है, इसकी सैलिनिटी जो है वो कम है या ज़्यादा है, डेंसिटी जो है वो कम है या ज़्यादा है. इस तरह से अगर डेंसिटी कम है तो उसका उस ओशियन में मूवमेंट ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा है तो उस ओशियन में वाटर में मूवमेंट जो है वो कम होगी. इसी तरह से सैलिनिटी होती है, उसका भी इसी तरह का इफेक्ट पड़ता है. अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वाटर जो है मूवमेंट ज़्यादा करता है, अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वाटर वहाँ पर फिक्स हो जाता है. तो इस तरह से ये फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जब चेंज होती हैं वाटर की, तो इसमें क्या होता है, वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करने लगता है. इसके बाद होता है, इसके ऊपर सिर्फ इन्हीं का इफेक्ट नहीं पड़ता है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी होते हैं जो इसको इफेक्टेड करते हैं, जैसे कि सन है, मून है, या फिर विंड है. ये जो है ओशियन मूवमेंट, जो वाटर है उसमें मूवमेंट, ओशियन वाटर जो है उसमें मूवमेंट क्रिएट करते हैं. उसके बाद ये होता कितने टाइप का है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा वर्टिकल होता है. दो टाइप की मोशन होती है, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल मूवमेंट जो है इसमें होती है. तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है उसमें कौन कौन, वो कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की फॉर्म जो है वो किस किस में होती है, जैसे कि करंट होती है, करंट हॉरिजॉन्टली चलती है. इसी तरह से वेव्स जो है उसमें भी वाटर जो मूवमेंट करेगा वो हॉरिजॉन्टल ही करेगा. उसके बाद वर्टिकल मोशन जो होता है, वर्टिकल मोशन में क्या आता है, वर्टिकल मोशन में टाइड्स आते हैं. टाइड्स में वाटर क्या करेगा, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करेगा, तो इसलिए इसमें वर्टिकल मोशन होता है. उसके बाद ओशियन करंट आर द कंटिन्यू फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन डेफिनेट डायरेक्शन व्हाइल द वेव्स आर द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर. यानी कि जो कंटिन्यू मूवमेंट होता है एक ही डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में जब मूवमेंट होता है वाटर में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको करंट बोलते हैं, ठीक है. और जो वेव्स होती है, वेव्स में भी वाटर जो है हॉरिजॉन्टली मोशन ही करता है, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट ही करता है. उसके बाद है कि जो वाटर मूवमेंट होती है,
वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जो मूवमेंट होती है उसमें जैसे कि करंट है, करंट में वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, बट वेव्स डज नॉट मूव। वेव्स में वाटर जो है, वाटर इन द वेव्स डज नॉट मूव, वाटर जो है वेव्स में मूवमेंट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ उसकी एनर्जी, यानी कि उसके ऊपर जो एनर्जी लग रही है वो एनर्जी ही मूवमेंट कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, वाटर इसमें मूवमेंट नहीं करता है। तो इसी तरह से जो वर्टिकली मोशन जो होता है हमारा, वो किस में होता है, वो टाइड्स में होता है, वाटर का वर्टिकली मोशन जो होता है। तो इसमें वाटर क्या करता है, राइज होता है और फॉल होता है, यानी कि वाटर फॉल होता है नीचे आता है और राइज होता है वो ऊपर उठता है। तो इस तरह से वाटर में ओशियन या सी के ऊपर वाटर का मूवमेंट वर्टिकली होता है। तो इसमें ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन एंड मून की वजह से। सन और मून जो है इसके ऊपर काफी इफेक्ट डालते हैं। उसके अलावा एक और फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो भी आपके टाइड्स को यानी कि लाने में हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं हम, सबसे पहला हमारा टॉपिक है वेव्स। वेव्स क्या होती हैं, वेव्स जो होती हैं, वेव्स ए लाइन ऑफ वाटर मूविंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर स्पेशली द सी दैट इज हायर देन द रेस्ट ऑफ द सरफेस। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो वाटर है, वो वेव्स जो है एक्चुअली क्या है, वो एनर्जी है। नोट द वॉटर, वो वॉटर सच एज विस मूवमेंट अक्रॉस द ओशियन सरफेस, यानी कि ओशियन सरफेस के ऊपर जो वॉटर है वो मूवमेंट करता है, वो वेव्स नहीं है। वेव्स जो है सिर्फ में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। इसमें जो एनर्जी है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाती है, न कि वॉटर जाता है। तो वॉटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन ए स्मॉल सर्कल एज ए वेव पासेज। यानी कि वॉटर क्या करता है, एक स्मॉल सर्कल के शेप में जब ट्रेवल करता है और वो एक तो उस तरह से एक वेव जो है वो चलती है। विंड प्रोवाइड एनर्जी टू द वेव्स, वेव्स को जो एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है वो बाय विंड, यानी कि विंड के द्वारा एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो इसमें हम देखिए जो वेव्स का शेप और जो साइज है, शेप और साइज है वो डिपेंड करता है वाटर का लेवल कितना है, वाटर की डेप्थ कितनी है। अगर वो ओशियन के बीच में होता है, अगर वाटर जो वेव्स आती हैं वो ओशियन के बीच में क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पर उसकी हाइट या उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा मिलेगी। जबकि जैसे जैसे वो कोस्टल एरिया की ओर जाती जाएंगी तो वेव्स की जो जो लंबाई चौड़ाई है वो कम होती जाएगी, यानी कि उसमें जैसे जैसे वो उसकी स्पीड भी स्लो होती जाएगी और जैसे जैसे वो कोस्टल एरिया की ओर जाती जाएगी और उसकी जो डेप्थ है वो भी कम होती जाएगी। Waves travel because wind pulls the water body in its course while gravity pulls the creates of the waves downward। यानी कि जो विंड जो वेव्स होती हैं उसको कौन पुश करता है, उसको विंड जो है वो आगे की ओर धकेलती है। विंड जो है वो पावर लगाती है और पावर, वो विंड की जो पावर होती है वही आगे की ओर वाटर में ट्रेवल कर रही होती है, जबकि जो ग्रेविटी होती है वो उनको नीचे की ओर, उसको वेव्स को डाउनवर्ड कर रही है, यानी कि नीचे की ओर लेके आ रही है, वेव्स को नीचे की ओर खिसका रही है। तो इस तरह से जो फॉलिंग वाटर है, फॉलिंग वाटर जो है वो नीचे वाले वाटर को पुश कर रहा है, वो ऊपर की ओर उसको उठा रहा है। तो इस तरह से सर्कल वेव में जो वेव्स है सर्कल फॉर्म में वो क्या करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है। तो इस तरह से जिसमें सिर्फ वाटर जो है वो क्या करता है कि उसमें वाटर तो वही रहेगा, सिर्फ एनर्जी है वो। देखिए हम जब किसी भी वाटर बॉडी में कोई स्टोन फेंकते हैं तो वो क्या होगा, वहाँ से आपको बाहर की ओर ऐसे लहरें उठती हुई दिखाई देंगी। तो इस तरह से उसमें वाटर नहीं जा रहा वहाँ से, बल्कि वहाँ से क्या जा रही है, एनर्जी जा रही है। उस नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। अब वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देखिए, ये वेव्स हैं तो इसमें क्या है, वेव्स क्रस्ट एंड ट्रफ। वेव्स क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है, जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट जो है वो अपर पोर्शन जो होता है वेव्स का वो होता है, और ट्रफ जो होता है वो नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो होता है। यानी कि वेव जब ऊपर की ओर उठती है तो उसको ऊपर वाले पोर्शन को क्रस्ट और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है, ट्रफ बोला जाता है। उसके बाद है देखिए इसमें दिया हुआ भी है, द हाइट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेव आर कॉल्ड द क्रस्ट एंड ट्रफ रिस्पेक्टिवली। जो ऊपर वाला पोर्शन
होता है, हाई जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, जबकि लोवेस्ट पॉइंट जो होता है उसको ट्रफ बोलते हैं। उसके बाद वेव हाइट। अब वेव हाइट को कैसे मेजर किया जाएगा, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए ट्रफ टू द टॉप ऑफ ए क्रेस्ट ऑफ ए वेव्स, यानी कि क्रस्ट के ऊपर वाले पोर्शन से जो वेव्स का नीचे वाला ट्रफ वाला पोर्शन है उनके बीच में जो लेंथ होती है इस लेंथ को क्या बोलते हैं, वेव हाइट बोलते हैं। उसके बाद है वेव एम्पलीट्यूड, ये क्या है, इट इज वन हाफ ऑफ द वेव्स, वेव्स का जो वन हाफ है यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये पोर्शन से ये पोर्शन यहाँ तक का हाफ पार्ट जो होता है वो वेव एम्पलीट्यूड कहलाता है। उसके बाद आता है वेव पीरियड। अब वेव पीरियड इट इज मेयरली द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव से वेव क्रेस्ट और ट्रफ एज दे पास ए फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि ये क्या है, ये ओनली द टाइम इंटरवल बिटवीन जो दो जो ये वो टाइम होता है जो दो सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ जो गुजरते हैं एक फिक्स पॉइंट से। मान लीजिए यहाँ एक फिक्स पॉइंट है, यहाँ फिक्स पॉइंट से ये क्रस्ट आया, या फिर हम नीचे वाला पॉइंट ले ले तो यहाँ से ये ट्रफ गया, एक क्रस्ट आया, फिर उसके बाद जो क्रस्ट का दूसरा पार्ट आया, एक क्रस्ट गुजर गया, दूसरा क्रस्ट आया, उसके बाद नीचे वाले पोर्शन से दूसरा ट्रफ, यानी कि इसके गुजरने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं वेव पीरियड। इसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, यानी कि वेवलेंथ क्या है, ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट। एक क्रस्ट ये वाला है, देखिए एक क्रस्ट ये वाला है, एक क्रस्ट ये वाला है, इन क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, उसको वेवलेंथ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है वेव स्पीड, इट इज द रेट एट विच द वेव मूव थ्रू द वॉटर एंड इट इज मेजर इन नोट्स, यानी कि ये क्या है, इट इज द रेट, ये वो रेट है, ये वो दर है जो कि मूवमेंट करती है वॉटर के बीच में से, यानी कि इनकी जिस स्पीड से वेव जो है वॉटर के बीच में से मूवमेंट कर रही है, वॉटर के उसमें से गुजर रही है, उसको किस में मेजर किया जाता है, उसको नोट्स में मेजर किया जाता है, और इसकी जो दर है, जिसकी जो स्पीड है मूवमेंट करने की, वो क्या है, वो नोट कहलाती है। नोट जो है स्पीड को मेजर करने की यूनिट है, और एक नोट जो है, एक नोट इक्वल है किसके, 1.85 किलोमीटर के। ओके, तो नेक्स्ट है वेव फ्रीक्वेंसी। अब वेव फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि हमने एक पॉइंट मेजर कर लिया, हमने एक पॉइंट डिसाइड कर लिया, इस पॉइंट के ऊपर से एक सेकंड के अंदर जितनी भी वेव्स गुजर के गई, एक सेकंड में 5 गई, 10 गई, 1 गई या 2 गई, जितनी भी वेव्स यहाँ से गई उनको वेव्स की फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। ओके, ये था हमारा टॉपिक सेकंड जो कि वेव्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है टाइड्स। अब टाइड्स क्या है वो देखिए, ए पीरियोडिकल राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल वंस और ट्वाइस ए डे मेनली ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड द मून इज कॉल्ड ए टाइड, यानी कि ये एक वो पीरियड है, ये एक वो समय है वॉटर के उठने का और गिरने का, वॉटर सी लेवल जिसमें उठता है और गिरता है, यानी कि राइज होता है और फॉल होता है, दिन में दो बार या फिर दो से ज्यादा भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। और ये किसकी वजह से होता है, जब वाटर ओशियन वाटर या सी वाटर जब ऊपर उठता है या नीचे गिरता है, तो ये किसकी वजह से, सन और मून के अट्रैक्शन की वजह से उठता है, जिसको क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ कोस्ट बाय द मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स, यानी कि मेट्रोलॉजिकल यानी कि जो क्लाइमेटिकल क्लाइमेट की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है ओशियन वाटर के ऊपर, ओशियन वाटर जिसकी वजह से या क्लाइमेट की वजह से अगर मूवमेंट कर रहा है, जिसमें क्या आती है, विंड आती है, एटमोस्फेरिक प्रेशर आता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर जब चेंज हो जाता है उसकी वजह से अगर वाटर मूवमेंट कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें जो आपका ये दिया हुआ है कि जो वाटर मूवमेंट उसको सर्ज बोलते हैं,
यानी कि अगर क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वाटर जो है वो इफेक्टेड हो रहा है और वाटर जो राइज या फॉल हो रहा है तो उसको सर्ज के नाम से जाना जाता है। सर्ज जो है जैसे कि टाइड रेगुलर आता है पर सर्ज जो है वो रेगुलर नहीं आती हैं, वो कभी कभी जब टेम्परेचर का जो क्लाइमेट का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है उस टाइम में आती है। तो जो टाइड की जो स्टडी है वो काफ़ी कम्प्लेक्स है और स्पेशली और टेम्पोरली बेस पे अगर हम ले तो ये काफ़ी जटिल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। वो कैसे है कि इसमें जो इसकी हाइट के ऊपर काफ़ी इसमें वेरिएशन पाया जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन पाया जाता है और इसके मैग्नीट्यूड में यानी कि इसका जो रिजल्ट निकलता है उसमें भी काफ़ी वेरिएशन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको यूं लगा लीजिए कि इसकी स्टडी करना काफ़ी डिफिकल्ट है। तो इसमें जो इसके पीछे जो रीजन है वो मून्स ग्रेविटी है, यानी कि मून्स ग्रेविटेशनल पुल टू ए ग्रेट एक्सटेंट एंड टू ए लार्जर एक्सटेंट द सन ग्रेविटेशनल पुल आर द मेजर कॉजेज फॉर द अकरेंस ऑफ टाइड्स, यानी कि टाइड्स के उत्पन्न होने के लिए टाइड्स को क्रिएट करने में किस किस का रोल होता है, वो मून्स ग्रेविटेशन का ज़्यादा रोल होता है और कुछ रोल जो है वो सन के ग्रेविटेशन का भी होता है बट वो कम होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि मून जो है अर्थ के काफी नजदीक है जबकि सन जो है वो काफी दूर है, जिसकी वजह से सन का इफेक्ट कम पड़ पाता है जबकि मून का इफेक्ट जो है वो ज्यादा पड़ता है। उसके अलावा इसमें जो अनदर फैक्टर है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, जैसे कि हमारा ये अर्थ सेंटर है, अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स अगर बाहर की साइड किसी चीज को फोर्स कर रहा है या पुश कर रहा है तो उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। जो फोर्स अंदर की ओर आएगा यानी अंदर की ओर किसी चीज को फोर्स कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वाटर है, देखिए वाटर जब बाहर की ओर उठ रहा है तो यानी कि यहाँ से अर्थ से वाटर जो है क्या कर रहा है, बाहर की ओर लग रहा है, बाहर की ओर वाटर को धकेला जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेज हैं जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि इसके अंदर मेजर मूवमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं वो ओशियन वाटर के अंदर। तो इसमें देखिए जो टाइड्स है, द टाइड्स जनरेटिंग फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेज, ये दो फोर्सेज होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो अट्रैक्शन है वो और उसके अलावा जो कि मून की वजह से होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमारी अर्थ की वजह से, अर्थ रोटेशन की वजह से होता है। तो ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो हमारे टाइड्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि इसको अकरेंस में हेल्प करते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है, देखिए यहाँ पर टाइडल बल्ब कब आता है, टाइडल बल्ब तब आता है जब मून का अट्रैक्शन जो है वो वाटर को अपनी ओर खींच रहा हो, यहाँ से वाटर को मून जो है अपनी ओर खींच रहा है। उसके अलावा अगर मून नहीं है, मून दूसरी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर वाटर जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दूसरी ओर मूवमेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों फोर्स, एक साइड मूवमेंट मून है वो काम कर रहा है तो दूसरी साइड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काम कर रहा है। तो इस तरह से जो टाइडल बल्ब हैं वो दोनों साइड ही, यानी कि एक साइड आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से और दूसरी साइड जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो मूवमेंट करते हैं, यानी कि टाइड। नेक्स्ट हमारा जो है वो है टाइड्स ऑफ बे ऑफ फंडी कनाडा। कनाडा की जो फंडी की खाड़ी है वहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाइट वाले टाइड आते हैं। अब सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन यही होगा कि मैडम सबसे पहले वहाँ सबसे ज़्यादा हाइट वाले टाइड्स वहाँ क्यों आते हैं। देखिए वहाँ उस जो बे की जो शेप है वो इस टाइप की है कि वहाँ पर जो फोर्सेज है वो पीछे से ज़्यादा लग रहा है और फोर्सेज ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पर जो वो फंडी की जो बे फंडी है वो इस शेप में बनी हुई है कि उसको रोकने टोकने वाला वाटर को नहीं है, वो सीधा ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो द हाइएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड अकर इन द बे ऑफ फंडी इन
नोवा स्कोटिया कनाडा। कनाडा के नोवा स्कोटिया में यानी कि जो सबसे हाईएस्ट जो टाइड आता है वो कनाडा के नोवा स्कोशिया में जो फंडी की खाड़ी है यानी कि बे ऑफ फंडी है वहाँ पर, और इसकी जो हाइट है वो 15 टू 16 मीटर तक होती हैं। बिकॉज देयर आर टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स एवरी डे, यहाँ पर एक यानी कि 24 घंटे का जो टाइम पीरियड है उसमें दो बार हाई टाइड और दो बार लो टाइड जो है वो आता है। देन ए टाइड मस्ट कम इन विद इन अबाउट ए 6 आवर पीरियड, यानी कि 6 घंटे के टाइम पीरियड में ये एक बार आ जाता है। एज ए रफ एस्टिमेट द टाइड्स राइजेस अबाउट 240 सेंटीमीटर इन आवर, यानी कि एक घंटे में जो है ये कितना उठ जाता है, 240 सेंटीमीटर जो हाइट ले लेता है। तो इस तरह से हमारी जो बे ऑफ फंडी है वहाँ पर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हाइट जो हाइट वाले टाइड्स जो हैं वो आते हैं। और इसमें अगर आप देखोगे वहाँ पर कभी जाने का अगर आपको मौका मिले तो आप देखोगे कि आप उसके जब तक ओशियन कोस्ट के उस कोस्ट पे पहुँचते हो तब तक ये एक बार यानी कि 6 घंटे के टाइम पीरियड में ये फिर से आ जाता है। अगर आप वहाँ कभी जाने का मौका मिले तो आप इसको देखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ टाइड्स। अब टाइड जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। टाइड्स वरी इन देयर फ्रीक्वेंसी के बेस पे एंड डायरेक्शन एंड मूवमेंट, और उसमें डायरेक्शन और मूवमेंट जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और टाइम टू टाइम और फ्रॉम टाइम टू यानी कि टाइम टू टाइम एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जो उसकी डायरेक्शन होती है उसके बेस पे इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और इसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इसमें इसके जो फ्रीक्वेंसी है उसके बेस पे, और फ्रीक्वेंसी उसके बेस में ये उसको फिर से डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी के बेस पे ये दिन में कितनी बार आते हैं, दिन में 2 बार आते हैं, 4 बार आते हैं, या उससे ज़्यादा बार आते हैं, या उससे कम टाइम के लिए आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं टाइड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बेस पे अगर हम टाइड्स को देखें तो सेमी डायनल टाइड होते हैं। सेमी डायनल टाइड यानी कि द मोस्ट कॉमन टाइडल पैटर्न फिशिंग टू हाई टाइड्स एंड टू लो टाइड्स इच डे, प्रत्येक दिन 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स जब आते हैं तो इसको बोलते हैं सेमी डायनल टाइड। उसके बाद आता है, और इसमें एक बात और याद रखने की है कि इसमें जो हाई और लो टाइड होते हैं उनकी हाइट अप्रोक्सीमेटली क्या होती है, सेम रहती है, ये याद रखना इस पॉइंट का, पॉइंट जो है सेमी डायनल टाइड का। और जो डायनल टाइड होते हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ पर तो देखिए एक दिन में 2 हाई और 2 लो टाइड आए थे, लेकिन जो डायनल टाइड होते हैं उसमें क्या आता है कि 1 हाई टाइड और 1 लो टाइड जो है इसमें एक दिन में आते हैं, और इनकी भी हाइट जो है वो क्या रहती है, अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है। नेक्स्ट है हमारा मिक्स टाइड। अब मिक्स टाइड में क्या होगा कि मिक्स टाइड टाइड्स हैविंग वेरिएशन इन हाइट आर नोन एज मिक्स टाइड। मैंने अभी अभी आपको पहले ही रिमाइंड करवा दिया था कि इन दोनों की हाइट जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है, बट नेक्स्ट में हाइट क्या हो जाती है, वो उसमें वेरिएशन आ जाता है। जब उसमें वेरिएशन आ जाता है तो इस टाइप के टाइड को क्या बोलते हैं, मिक्स टाइड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें दीज टाइड्स जनरली अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट है जहाँ पर हमारी क्या है जो यानी कि जो पैसिफिक ओशियन जिसके साथ लगता हुआ है नॉर्थ अमेरिका का वो वेस्ट कोस्ट है, तो वहाँ पर इस टाइप के टाइड्स जो है वो देखे जा सकते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ भी कि आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियन के साथ जो आइलैंड है उस पर इस टाइप के टाइड वहाँ पर आते रहते हैं। नेक्स्ट है टाइड्स बेस्ड ऑन द सन मून एंड द अर्थ पोजिशन। अब सन मून और अर्थ की पोजिशन के ऊपर जो के बेस पे जो टाइड्स आते हैं उनको भी अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और द हाइट ऑफ राइजिंग वाटर वेरीज अप्रिसिएबली डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द सन एंड मून विद रिस्पेक्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के रिस्पेक्ट में सन और मून की जो डायरेक्शन है वो क्या है, उसकी पोजिशन क्या है,
मून अगर, देखिए मून अगर सन और मून दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वहां पर क्या होगा, फोर्स ज्यादा काम करेगा, और फोर्स ज्यादा काम करेगा तो वहां पर जो टाइड है वो क्या आएंगे, ज्यादा हाइट वाले होंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्रिंग टाइड की। स्प्रिंग टाइड क्या है, द पोजिशन ऑफ बोथ द सन एंड मून इन रिलेशन टू द अर्थ हैज डायरेक्ट बियरिंग ऑन टाइड टाइड हाइट। व्हेन द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं अर्थ से, यानी कि अर्थ मून और सन दोनों तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो उस टाइप के उस टाइम जो टाइड आता है उसको स्प्रिंग टाइड के नाम से जाना जाता है। और ये एक मंथ में दो बार, मंथ में दो बार इस टाइप के टाइड आते हैं। और वो कब आता है, एक फुल मून पीरियड और दूसरा न्यू मून पीरियड के टाइम ये आते हैं। यानी कि एक फुल मून जब होता है तब आता है और दूसरा जो न्यू मून होता है। अब फुल मून कब होगा, फुल मून जब जब जैसे कि हमारी जो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के दिन जो टाइड आते हैं वो फुल मून टाइड कहलाते हैं। और जबकि जो न्यू मून टाइड होता है, न्यू मून टाइड जब हमारी अमावस्या होती है, तो अमावस्या के दिन। अब पूर्णिमा और अमावस्या के दिन क्या होता है कि तीनों एक डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए इस टाइम जो टाइड आता है वो स्प्रिंग टाइड होता है, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद है निप टाइड। अब निप टाइड में क्या होगा, निप टाइड में इनके ये एक 90 डिग्री के एंगल पे होंगे, यहाँ पर अर्थ होगी, यहाँ पर सन होगा, यहाँ पर मून होगा। तो उस टाइम यहाँ पे देखिए तीनों की ग्रेविटी जो है साथ, दोनों की ग्रेविटी साथ काम कर रही थी, अर्थ के ऊपर इफेक्ट डाल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो है दोनों की ग्रेविटी अलग अलग काम कर रही है, इधर से मून की ग्रेविटी काम कर रही है, इधर से सन की ग्रेविटी काम कर रही है। तो इस टाइप से आने वाले टाइड को निप टाइड्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो इस टाइप के जो टाइड ये टाइड्स हैं वो भी आपके, यानी कि जब सन और मून उसके एक ही डायरेक्शन में न हो करके बल्कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो उस टाइम ये इस टाइप के टाइड आते हैं। अब देखिए वंस इन ए मंथ व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जब मून जो है अर्थ के क्लोज होता है तो उस टाइम पेरिजी, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं उपभू, उपभू मीन्स, यानी कि पेरिजी कब होता है, जब अर्थ और मून के बीच दूरी जो है या डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें हाई और लो टाइड्स जो है वो उत्पन्न होते हैं, यानी कि इसमें हाई टाइड भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जो मून है वो क्या है, वो अर्थ के नज़दीक है, और अर्थ के नज़दीक होने की वजह से उसकी ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा काम करती है। उसके बाद बात आती है एपोजी, यानी कि अपभू। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका मून है वो सन से क्या होगा, वो सॉरी अर्थ से है वो दूर होगा, यानी कि चंद्रमा का जो उसका अट्रैक्शन जो है मून का वो इसमें कम हो जाता है। तो इस तरह से जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है सन का और सॉरी मून का और अर्थ का, तो उस टाइम जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ग्रेविटी जो है वो कम काम करेगी, और उस टाइम जो टाइड होंगे वो लो टाइड आएंगे, ठीक है। और दो जो वीक में दो बार ऐसा होता है, यानी कि दो वीक के बाद ऐसा होता है कि इसका इफेक्ट जो वो है वो कम पड़ता है, और दो वीक के बाद उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। तो इसके बाद है व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, इसको जब सन के अर्थ क्लोज होती है, और ये कब होता है, ये 3 जनवरी को होता है, उसको पेरिहेलियन बोलते हैं। और पेरिहेलियन के टाइम भी जो इसकी ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा काम करती है, इसलिए जो टाइड जो है वो हाई आते हैं। और उसके बाद जो है एपीहेलियन में जो ग्रेविटी है, क्योंकि एपीहेलियन के टाइम जो सन और अर्थ की जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, और सन और अर्थ का डिस्टेंस जब ज़्यादा हो जाता है तो उसमें भी क्या है, ये 4 जुलाई को होता है, उसमें भी ग्रेविटी कम काम करने लगती है, और उस टाइम क्या आता है, लो टाइड आते हैं। तो इस तरह से आपके जो सन और मून का जो पूरा इफेक्ट पड़ता है टाइड्स के ऊपर। इसके बाद हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स। इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए टाइड की, इसका क्या बेनिफिट है कि नहीं है,
बिल्कुल बेनिफिट है इसका हमारे लिए, काफी सारी ऐसी जगह है जहां पर ये हमारी हेल्प करता है। देखिए, दिस हेल्प्स द नेविगेटर्स एंड फिशरमैन प्लान देयर एक्टिविटीज। ये जो फिशरमैन होते हैं और नेविगेटर होते हैं उनकी हेल्प करता है उनकी एक्टिविटीज में, उनकी एक्टिविटीज को बढ़ाने में, यानी कि वो जो जिस टाइप के कार्य करते हैं उनमें ये पूरी पूरी हेल्प करता है। जैसे कि जो नेविगेटर्स होते हैं उनके साथ जब टाइड आता है उसके साथ वो कोस्टल एरिया के पास आ जाते हैं, और जब वो नीचे की ओर जाना चाहते हैं और टाइड जो है वो नीचे की ओर जाता है वाटर, उसमें यानी कि वाटरफॉल होता है, तो उस टाइम वो वाटर के साथ गहराई तक जा सकते हैं। जब उनको जैसे कि नाव चलानी होती है तो उसमें उसको पूरी पूरी हेल्प मिलती है। और इसी तरह से जो फिशरमैन होते हैं वो भी उसके साथ नीचे की ओर जा सकते हैं, वहाँ से मछली वगैरह पकड़ करके वो वापस भाटा के साथ ज्वार के साथ ऊपर आ सकते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट हैं टाइडल फ्लो आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इन नेविगेशन। ये हम कर चुके हैं, नेविगेशन में ये पूरी पूरी हेल्प करता है। टाइडल हाइट आर वेरी इम्पोर्टेंट एस्पेशली हार्बर्स नियर रिवर, यानी कि जो हार्बर्स होती है रिवर के नज़दीक उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि वहाँ पर क्या होता है कि वाटर का जो फ्लो होता है वो कम होता है बिना टाइड के, जैसे ही टाइड आता है वाटर फ्लो ज़्यादा हो जाता है। वाटर फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो जितनी भी नाव वगैरह होती हैं, शिप वगैरह होती है, वो वाटर के फ्लो के साथ कोस्टल एरिया के पास आ जाती है। तो इस तरह से ये हमारी लाइफ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और इसके अलावा टाइड्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर, यानी कि ये हमारी इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि कनाडा है, फ्रांस है, रसिया है, चाइना है, वहाँ पर काफ़ी सारे पावर प्लांट लगाए हुए हैं जो कि टाइडल के थ्रू वो जब टाइड आता है तो वो क्या करते हैं ऊपर वाटर को सेव कर लेते हैं, और जैसे ही वो उसके जाने के बाद वाटर को गिरा करके वो पावर जनरेट करते हैं। उसके बाद देखिए 3 मेगावाट टाइडल पावर प्रोजेक्ट एट दुर्गा द्वानी इन सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल इन अंडर वे, यानी कि आपका जो ये पावर प्लांट जो लगा हुआ है 3 मेगावाट का पावर प्लांट जो है ये वेस्ट बंगाल में सुंदरबन के दुर्गा द्वानी में लगाया गया है। दुर्गा द्वानी में ये लगाया गया है, वेस्ट बंगाल में है जो, और ये 3 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है। उसके बाद आती है हमारी ओशियन करंट। अब ओशियन करंट क्या होती हैं, आपने रिवर्स को तो चलते देखा होगा अर्थ के लैंड पार्ट के ऊपर है, जिस तरह से लैंड पार्ट के ऊपर ओशियन रिवर्स फ्लो करती हैं ठीक वैसे ही ओशियन करंट जो है ओशियन के ऊपर वाटर फ्लो होता है। यानी कि जिस तरह से हमारे अर्थ के ऊपर लैंड पार्ट के ऊपर ओशियन एक ही डायरेक्शन में रिवर जो है एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, उसी तरह से ओशियन के ऊपर जो है वो भी वाटर जब एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको ओशियन करंट के नाम से जाना जाता है। और इसमें वाटर जो है एक डेफिनेट पाथ पे डेफिनेट डायरेक्शन में चलता है। ओशियन करंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, 2 टाइप के फोर्सेस से ये इफेक्टेड होती हैं, प्राइमरी फोर्सेस और जो कि वाटर मूवमेंट को प्रभावित करते हैं, वाटर मूवमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद सेकेंडरी फोर्सेज। अब प्राइमरी फोर्सेज क्या होता है वो देखिए, प्राइमरी फोर्सेज में हम सबसे पहले बात करेंगे हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। अब हीटिंग बाय सोलर एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी से जो हीट क्रिएट होती है उससे वाटर का लेवल क्या है बढ़ जाता है। यानी कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे जैसे वाटर को हम गर्म करते हैं तो वो क्या करता है उसकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से जब सोलर एनर्जी की वजह से वाटर हीट होता है तो उससे जो वाटर का लेवल बढ़ जाएगा और वो दूसरे डायरेक्शन में जहाँ लेवल नीचा होगा वहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है विंड। अब विंड क्या है कि विंड जिस डायरेक्शन में जाएंगी आप देखना, यहाँ पर विंड इस यानी कि इक्वेटर है, इक्वेटर के पास जो विंड चलती हैं वो इस डायरेक्शन में चलती हैं, तो आपका कहीं भी देख लेना किसी भी करंट में वाटर जो है इसी डायरेक्शन में मिलेगा आपको। आगे जो मैप आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर रही हैं।
तो इस तरह से विंड का भी इसके ऊपर काफी गहरा इफेक्ट पड़ता है। विंड जिस डायरेक्शन में चलती है, वाटर मूवमेंट जो है उसी डायरेक्शन में होता है। देखिए इसमें हम एक एग्जांपल अपने इसका इंडिया का भी ले सकते हैं कि इंडिया का जो बे ऑफ बंगाल है या फिर जो अरेबियन सी है, वहाँ पर भी सीजन के अकॉर्डिंग जो है आपकी करंट्स जो है वो चेंज हो जाती हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विंड उनके ऊपर इफेक्ट डालती है। जैसे ही मॉनसून स्टार्ट होता है वो मॉनसून की डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे ही मॉनसून वापस जाता है जैसे कि अब लौट रहा है तो वो अपनी डायरेक्शन जो है वो करंट जो है चेंज कर लेती हैं। उसके बाद ग्रेविटी, भाई ग्रेविटी इसके ऊपर पूरा पूरा इफेक्ट डालती है। ग्रेविटी जहाँ अपनी ओर खींचेगी वोटर वहाँ उस ओर जाएगा। उसके बाद है कोरियालिस फोर्स। नो डाउट कि कोरियालिस फोर्स भी इसके ऊपर पूरा पूरा इफेक्ट डालता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके इसमें इफेक्ट डालती हैं। और इसके बाद है आपका जो ओशियन करंट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो ओशियन करंट्स आर रेफर टू बाय देयर ड्रिफ्ट। यूजुअली द करंट आर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस एंड मे अटेन स्पीड ओवर 5 knots। यानी कि जो करंट होती हैं, जो ओशियन करंट होती हैं, ओशियन करंट क्या करती हैं कि उनकी जो उनका जो फ्लो होता है, उसको किस रूप में, जो धाराओं का जो करंट्स का जो फ्लो होता है उसको ड्रिफ्ट के रूप से नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रवाह, ड्रिफ्ट को हिंदी में बोलते हैं प्रवाह, प्रवाह के नाम से इसको जाना जाता है। और ये सरफेस के नज़दीक जो है ओशियन करंट वो स्ट्रोंग होती है, लेकिन जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते जाएंगे, ओशियन या सी के डेप्थ में जाते जाएंगे तो इनकी स्पीड जो है वो क्या होती जाएगी, स्लो होती जाएगी। अब सरफेस के पास इसकी स्पीड कैसी होती है, वो जनरली 5 knots होती है। यानी कि जो सरफेस के ऊपर जो इनकी जो स्पीड होती है करंट्स की, वो 5 knots के स्पीड से चलती हैं। लेकिन जैसे ही हम डेप्थ में जाएंगे तो ओशियन की जो स्पीड है वो 0.5 knots के करीब रह जाती है। तो इस तरह से जो ओशियन है, ओशियन करंट की जो स्पीड है वो डेप्थ में, वाटर के डेप्थ में जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और जैसे जैसे सरफेस के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर इनकी स्पीड जो है वो स्ट्रॉन्ग मिलेगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स की जो टाइप्स है वो कौन से है, कितने टाइप की होती हैं ओशियन करंट। तो ओशियन करंट में भी क्लासिफाई ऑन देयर डेप्थ एज सरफेस करंट एंड डीप वाटर करंट। अगर हम इसको डेप्थ के यानी कि ओशियन करंट को डेप्थ के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, इनकी गहराई के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, तो इसके जो सरफेस होता है सरफेस से, यानी कि जो ओशियन सरफेस होता है, ओशियन सरफेस से के ऊपर चलने वाली जो करंट है उनको सरफेस करंट, और जो डेप्थ में चलने वाली जो करंट होती हैं उनको डीप करंट के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए डीप वाटर करंट के नाम से जाना जाता है। जो ओशियन करंट, जो सरफेस करंट होती है ना, सरफेस करंट की जो डेप्थ है वो कितने, वो जो ओशियन होता है उसके ऊपर वाले पोर्शन में 400 मीटर की डेप्थ तक मिलती है ये, ठीक है। और ये टोटल ओशियन वाटर का 10% एरिया होता है भाई। 90% एरिया में जो ओशियन की डेप्थ है उसके 90% में जो डीप वाटर करंट चलती है, 90% में डीप वाटर करंट और 10% में जो है आपकी सरफेस करंट चलती हैं। और इसमें भी सरफेस करंट की जो डेप्थ होती है वो 400 मीटर के करीब होती है। इसके बाद है जो ओशियन करंट, ये तो थी आपकी डेप्थ के बेस पे ओशियन करंट। उसके बाद ओशियन जो करंट है उनको टेम्परेचर के बेस पे भी डिवाइड किया गया है, और टेम्परेचर के बेस पे ओशियन करंट को कोल्ड करंट और वार्म करंट के बेस पे टाइप में डिवाइड किया गया है। अब कोल्ड करंट कौन सी होंगी, जो करंट, कोल्ड करंट वो करंट होंगी जो कि मान लीजिए ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारे पोल्स हैं, तो पोल की ओर से जो इक्वेटर की ओर आएंगी वो कहलाएंगी कोल्ड करंट, क्योंकि वो कोल्ड एरिया से आ रही होती हैं। अब वार्म करंट वो करंट होंगी जो वार्म एरिया से कोल्ड एरिया की ओर जाएंगी। जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इस ओर से ये पोल्स की ओर जाने वाली जो करंट होती हैं वो कहलाएंगी वार्म करंट्स।
जिस तरह से इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। और इसके बाद है मेजर ओशियन करंट्स। आपकी जो मेजर ओशियन करंट्स हैं वो कौन सी हैं, देखिए ये हम मैप से डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो विंड है, विंड की वजह से आपकी ओशियन करंट पूरी तरह से इफेक्टेड होती हैं। देखिए यहाँ पर आपके विंड जो मैंने बताई थी कि ऐसे ट्रेडल विंड होती हैं, ट्रेडल विंड जो होती है वो इक्वेटर के पास चलती हैं, ट्रेड विंड जिसको बोलते हैं, ट्रेड विंड मैंने हिंदी में इनको व्यापारिक पवने बोलते हैं क्योंकि ये ट्रेड में काफ़ी हेल्प करती है, इसलिए इनका नाम ट्रेड विंड रखा गया है कि सिप जो है यहाँ से इनके इनकी डायरेक्शन में आराम से जा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो विंड है आपकी, ये यहाँ से और इधर से ये इस ओर आ रही है। ये जो दिखा रखा है ये तो आपकी जो इनके यहाँ पर स्पेस जब बन जाता है, पानी जो वाटर है वो इन करंट्स के साथ इस साइड जाता है, स्पेस जब बन जाता है तो ये थोड़ा जो वाटर है इस डायरेक्शन में भी जाना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सारी की सारी जो करंट्स है, इक्विटोरियल करंट्स हैं, वो इस डायरेक्शन में ही जा रही है। ये देखिए कहीं भी देख लीजिए, हाँ ये आपका जो इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है विंड का। जैसे ही सीजन चेंज होता है, विंड की डायरेक्शन चेंज होती है, विंड की डायरेक्शन चेंज होते ही ओशियन करंट की डायरेक्शन अपने आप चेंज हो जाती है क्योंकि वाटर के ऊपर विंड का काफी इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से ओशियन करंट के ऊपर विंड का भी, टेम्परेचर का भी, इन सब का इफेक्ट पड़ता है, ग्रेविटी का भी इफेक्ट पड़ता है, कोरियोलिस फोर्स का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें हम मेजर करंट्स की बात करने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि मैप के ऊपर कौन सी करंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो आपकी जो अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन की बात अगर हम करते हैं तो अटलांटिक ओशियन में सबसे पहले नॉर्थ इक्विटोरियल करंट होती हैं। नॉर्थ इक्विटोरियल करंट जो है वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, वो आपके जो नॉर्थ अमेरिका है उसके ईस्ट कोस्ट के ऊपर। देखिए वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट ये आपको सभी ओशियन के भी और कॉन्टिनेंट हैं उनके भी याद रखने पड़ेंगे। जो ओशियन यानी कि कॉन्टिनेंट का जो ईस्ट कोस्ट होता है वो ओशियन का वेस्ट कोस्ट होता है भाई, ये याद रखना। जो ओशियन कॉन्टिनेंट का ईस्ट कोस्ट होगा वो उस के साथ लगते हुए ओशियन का वेस्ट कोस्ट होगा। ये जैसे कि अटलांटिक ओशियन का वेस्ट कोस्ट है, ये ईस्ट कोस्ट है, और ये आपका जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, इसका जो ये ईस्ट कोस्ट है और ये वेस्ट कोस्ट है। इसके बाद यहाँ से ये जो विंड है ये किस ओर चल रही है, एक बात और कि ये इक्वेटर से चलने वाली जो विंड है वो किस ओर, वो पोल्स की ओर जा रही है क्योंकि वहाँ पर लेवल जो है वो नीचा है, लो लेवल है यहाँ पर, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो डाउन है, टेम्परेचर डाउन है तो वाटर का लेवल अपने आप कम हो जाता है और इसलिए जो विंड को जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन जैसे ही इस डायरेक्शन में जाएगा, ये गल्फ स्ट्रीम की करंट है भाई, गल्फ स्ट्रीम करंट ये जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे चलती है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे। और ये क्वेश्चन में भी कई बार पूछ लेते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे चलने वाली जो मेन करंट है वो कौन सी है। उसके बाद यहाँ पर आकर के इसको नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है और ऊपर से जो कोल्ड करंट आ रही है वो लेब्राडोर की करंट है। ये लेब्राडोर करंट है जो कि ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच में से चल रही है। उसके बाद अगर यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर यो कैनारियो की जो कोल्ड करंट है, क्योंकि ये पोल्स की ओर से आ रही है इसलिए कोल्ड करंट है, और कैनारी की कोल्ड करंट इसको बोला जाता है, कैनारी की कोल्ड करंट। उसके बाद अगर हम आए साउथ अटलांटिक ओशियन में, तो साउथ अटलांटिक ओशियन में क्या है कि इक्विटोरियल करंट है वो किस ओर चल रही है, पोल की ओर चलेंगी। और यहाँ पर पोल की ओर जब ये आ रही है तो ये वार्म करंट होती है, और वार्म करंट जब ये यहाँ पर ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पर ये वेनेजुएला जो आपका साउथ है, वेस्ट कोस्ट है अफ्रीका का, उसके साथ ये वेनेजुएला की कोल्ड करंट के नाम से जानी जाती है क्योंकि यहाँ से पोल्स की ओर से जब वाटर जाता है तो वो कोल्ड होता है, और कोल्ड करंट्स के नाम से ये वेनेजुएला कोल्ड करंट के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि जो वेनेजुएला है वो कोल्ड करंट है या फिर वार्म करंट है।
तो इस तरह से ये थी आपकी अटलांटिक ओशियन करंट। अब हम बात करें पैसिफिक ओशियन करंट की, तो पैसिफिक ओशियन करंट में भी इसी तरह से ये ड्रिफ्ट चलेगा। यहाँ पर देखिए इक्वेटोरियल करंट चल रही है, इसके बाद क्यूरेशिया की करंट चल रही है, ऊपर से कोल्ड करंट आ रही है जो ओयोसियो की करंट है, ओयोसियो करंट, और नीचे से जा रही है वार्म करंट है जो कि क्यूरेशियो की क्यूरेशियो करंट के नाम से जानी जाती है। उसके बाद अलास्का को करंट है ये, और ये यहाँ से जो क्यूरेशियो की करंट है उसका ही पार्ट है, ये अलास्का के साथ साथ मूव कर जाती है, इसको अलास्का करंट के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। उसके बाद आपकी आती है कैलिफोर्निया, यहाँ पर ये कैलिफोर्निया कोस्ट है, इसके साथ ऊपर से पोल्स की ओर से आने वाली ये करंट है, और कैलिफोर्निया की करंट जो है वो कोल्ड करंट है। तो इस तरह से ये था नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। अब हम बात करते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन की। साउथ पैसिफिक ओशियन में ये इक्वेटर करंट, इक्वेटर की ओर से आने वाली करंट है, और यहाँ आकर के ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के नाम से, उसके बाद ये पेरू या हम्बोल्ट करंट के नाम से जानी जाती है। पेरू या हम्बोल्ट की करंट जो है वो कोल्ड करंट है, पेरू या हम्बोल्ट की करंट जो आपका साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के साथ चलने वाली करंट जो है वो हम्बोल्ट या पेरू की पेरू करंट के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आपका आता है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में सीजन चेंज होते ही भैया इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, नो डाउट। फिर भी ये अगर हम बात करें तो ये साउथ इक्विटोरियल करंट है, और इसमें सीजन के अकॉर्डिंग तो मैंने बता ही दिया कि ये चेंज होंगी। और अगुलहास, ये याद रखना, ये मेडागास्कर है और ये अफ्रीका, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में से चलने वाली जो करंट है वो अगुलहास करंट के नाम से जानी जाती है। इस तरह से ये आपके करंट्स के टाइप थे कि कुछ कोल्ड करंट है और कुछ वार्म करंट है। इसके बाद इनका इफेक्ट भी क्या पड़ता है करंट्स का, बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है भैया करंट का, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए जैसे ही ये यहाँ से चलती हैं तो ये क्या करती हैं, यहाँ से चल करके ये गर्म वाटर को लेकर के जाती हैं, और जैसे ही वार्म वाटर को ये ऊपर लेके जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, इसका लेवल यहाँ पर जो पॉइंट था इसका जो वाटर गर्म वाटर का जो टेम्परेचर था वो क्या हो गया, वो यहाँ पर जाते ही बढ़ गया, और इस तरह से यहाँ पर जो आइस जमी हुई थी वो क्या हो जाती है, पिंगल जाती है, और इस तरह से यहाँ पर जो शिप चलते हैं उनके लिए रास्ता बना देती है। इसी तरह से दूसरा फायदा क्या है कि जहां पर मान लीजिए जहां पर गर्म और ठंडी जो करंट्स मिलती हैं, कोल्ड और वार्म करंट दोनों आकर के मिलती है, वहां पर जो आपका फिश वर्क है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं वहाँ पर मछलियों को, क्योंकि न तो टेम्परेचर ज़्यादा रहता है न टेम्परेचर डाउन जाता है, तो उससे वहाँ पर मछलियों को आराम से पाला जा सकता है। तो इस तरह से ये काफ़ी इफेक्ट पड़ता है इनका, ये हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं, और यहाँ की वो क्लाइमेट को सेम रखने के लिए भी, यानी कि क्लाइमेट को सही रखने के लिए भी ये काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। तो इस तरह से जहाँ पर दोनों ये मिलती हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की जो पूर्ति हो जाती है, और ऑक्सीजन की जब पूर्ति हो जाती है तो वहाँ पर प्लैंकटन जो होते हैं वो उनमें वो ज़्यादा क्रिएट होते हैं, उनकी जो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होता है, जो कि प्लैंकटन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो फिश होती हैं उनके फूड के रूप में वो काम आता है। तो इस तरह से ये जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है, जो कोल्ड करंट है और वार्म करंट है जहाँ पर भी मिलती है वो सभी अच्छे मानी जाती है, यानी कि हमारे लिए इनका भी काफ़ी महत्व है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है करंट की हमारी लाइफ में। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप इनको मैप में फील करके देखिए और इन करंट्स के नेम और वो सारी चीज़ें याद कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।